महाराजगंज जनपद में भी मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन। जी हां, महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई और उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना में सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम माँ भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक पखवाड़े तक चलने वाले सेवा अभियान के तहत भाजपा पूरे देश में अनेकता में एकता उत्सव, स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पखवाड़े में पार्टी पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगी। भाजपा कार्यकर्ता दिव्यांगों में उपकरण वितरण, खादी प्रोत्साहन और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे। 2 अक्टूबर को लोगों को खादी और स्थानीय उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने और इस दौरान अनेक रचनात्मक कार्यों को करने के पीछे जो सोच है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का जनता से सतत संपर्क, राजनैतिक सक्रियता, सतत सेवा और गरीब कल्याण राष्ट्र निर्माण में कार्य करते रहें, यही सेवा पखवाड़े में हो रहे रचनात्मक कार्यों के पीछे की भावना है। मोदी जी ने अपनी भारत के सोच व गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। इस अवसर पर सदर विधायक जयमंगल कनौजिया, भाजपा जिला अध्यक्ष परदेशी रविदास के अलावा कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखें इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरा 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक समाज की सेवा करके हम अपना जन्मदिन के उत्सव को मनाए, जिसमें 17 तारीख को आज कहीं ना कहीं पूरे देश में ब्लड रक्तदान करके, ब्लड डोनेशन दे करके एक सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। 18 तारीख के वहीं पर स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देकर के करना है। फिर 19 सितंबर को मोदी जी के व्यक्तित्व पे जो उन्होंने अभी तक गुजरात से लेकर के और देश के 8 साल तक कार्य किया है उसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जल आंदोलन उसके तहत 2 दिन लगातार स्वच्छता पे सफाई हम सब करेंगे। उसमें अमृत सरोवर का भी सफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। 22 सितंबर को जल ही जीवन जो मिशन है, जल का जो एक महत्व है उसको लोगों के बीच में जाकर के बताना और कैसे हम बरसात का पानी या गांव का पानी कैसे संरक्षित करें उसके लिए कार्यक्रम चलेगा। 23 तारीख को वोकल फॉर लोकल, जो हमारी स्वयं सहायता समूह महिलाएं हैं या जिले के हमारे जो और उत्पादन है उनका एक प्रदर्शनी लगा करके लोगों को प्रेरित करना कि लोकल वस्तुओं का प्रयोग करें, उसका खरीदारी करें, उसके तहत कार्यक्रम होगा। 24 तारीख को जो हमारे दिव्यांग साथी उनको कृत्रिम अंग और जो वितरित किया जाएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वहीं 25 दिसंबर को आप सब जानते हैं कि दीनदयाल जी की जयंती है, जिनकी कोष के तहत सरकार ये काम कर रही है, अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना उसके ऊपर गोष्ठी होगी। वहीं पे फिर 26 तारीख को विविधता में एकता है उसका कार्यक्रम होगा। सितंबर को एक जनता की तरफ से शुभकामना संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा। 28 तारीख को बुद्धिजीवी समाज के बीच में बैठ करके गोष्ठी होगी। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।